प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक खंड गौगुंदा के तत्वाधान में शताब्दी वर्ष पथ संचलन निकाला गया, जिसके तहत कृषि मंडी गौगुंदा से शुरू होकर बस स्टैंड, सरिया देवी मंदिर, भैरोजी की घाटी, प्रताप चौक व गाँव के मुख्य मार्गो से होते हुए रास्तिलक स्थली मेवाड़ कॉम्प्लेक्स पर सम्पन्न हुआ। वहाँ शारीरिक प्रदर्शन के बाद जिला प्रचारक केशव नारायण ने बौद्धिक देते हुए कहा कि हिंदू समाज को एक कुआ एक शमशान की परंपरा अपनाने की आवश्यकता है। समाज में कोई ऊंच नीच नहीं होकर सभी समान है, ऐसे भाव फैलाना चाहिए। आज हिंदू समाज सभी भेदभावों को भुलाता हुआ समरसता की ओर अग्रसर होते जा रहा है। वह अभी हमें और भी संगठित होकर धर्म, समाज व देश को आगे बढ़ाने का विचार रखना चाहिए। जिस तरह शिवाजी ने अपने धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया, उसी तरह हमें भी हमारे धर्म की रक्षा का प्रण लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन भैरव सिंह ने किया। मुगलों का शासन है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुगल आते हैं, शिवलिंग को तोड़ते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं और यहाँ की संस्कृति को नुकसान करते हैं। कौन? वो जीजाबाई। बाद से बहुत बड़ी चिंतित थे। वो कहती हैं, मेरे माता पिता जिस काम को नहीं कर पाए, मेरे पति जिस काम को नहीं कर